हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। आईपीएल 2024 का 16 मैच कोलकाता और दिल्ली टीम के बीच में स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपको विशाखापट्टनम के मैदान पे शाम को 7:30 बजे से लाइव देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप ड्रीम इलेवन पे मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लेके आने की सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ पा रहा है क्या इस मैच में हम किस किस खिलाड़ी को पिक करें, कप्तान किसको करें, वाइस कैप्टन किसको करें, गेंदबाजी में से ज्यादा खिलाड़ी लें, ऑलराउंडर ज्यादा लें, बल्लेबाज ज्यादा लें, आखिरकार हम टीम बनाए कैसे, आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो वाइस, आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो मिलने वाला है। आपको आपने दोस्तों अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो वाइस 90% आपकी रैंक 1 आ सकती है, 10% भाई आपकी किस्मत पे भी डिपेंड होगा हुआ है दोस्तों ये चीज, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर वाले सेक्शन की, क्या विकेट कीपर में से आपको किस किस प्लेयर को पिक करके आज चलना होगा और किस खिलाड़ी को आपको ड्रॉप करना होगा। दोस्तों, बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा है, और वो दोस्तों बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, पर दोस्तों आज के इस मैच में आपको उनको ड्रॉप करके आना होगा। और 3-4 खिलाड़ी आपको ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत छोटे खिलाड़ी हैं, उन पर किसी की नजर नहीं है, पर दोस्तों आज वही खिलाड़ी कमाल करेंगे और दोस्तों वही खिलाड़ी आपको जिताएंगे 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, वही खिलाड़ी आपको रैंक 1 लेके आएंगे आज इस मैच में। दोस्तों, आपको यहां पे विकेट कीपर सेक्शन में बहुत सारे खिलाड़ी नजर आ जाएंगे, जैसे कि फिलिप शॉल्ट, ऋषभ पंत और पुरैल। दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों में से आपकी टीम में किस किस को होना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों यहां पे गलती करेंगे कि वो दोस्तों फिल शॉल्ट को अपनी टीम में लेके आएंगे, पर दोस्तों आपको यहां पे फिल शॉल्ट को बिल्कुल भी आज नहीं लेना भाई। फिल शॉल्ट दोस्तों उस वाली पिच पे ज्यादा अच्छा रहता है जो बल्लेबाजी पिच होती है, पर दोस्तों ये बल्लेबाजी पिच मुझे नजर नहीं आती है। ये दोस्तों एक बैलेंस ट्रैक है जहां पर गेंदबाजों को भी हेल्प मिलेगी। इस कंडीशन में फिल शॉल्ट को लेना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि आते ही भाई हार्ड हिटिंग बैट्समैन ही भाई बैट्समैन यार, आते ही चौके छक्के खेलता है, फिर ये दोस्तों आउट होकर चला जाएगा 10-15 रन के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का। और एक खिलाड़ी की वजह से आपकी पूरी टीम खराब हो जाएगी, फिर आपका सपना टूट जाएगा 2 करोड़ जीतने का, और भाई मैं वो नहीं चाहता। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, आज केवल आज आप फिल शॉल्ट को अपनी टीम से ड्रॉप कर देना। आपको लेना है आज ऋषभ पंत को, क्यों लेना है? ऋषभ पंत दोस्तों 3 नंबर पे 4 नंबर बल्लेबाजी करता है, और भाई आपको पता है बल्लेबाज कैसा है यार, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है भाई, ठीक है, इंडिया का नंबर 1 विकेट कीपर है धोनी के जाने के बाद से। तो यार ऋषभ पंत को भाई लेना पड़ेगा आज, और ऋषभ पंत ने लास्ट मुकाबले में हाफ सेंचुरी भी लगाई थी आपको याद हो तो चेन्नई के खिलाफ। तो यार ऋषभ पंत रिसेंट में बहुत अच्छा चल रहा है, सामने वाली टीम के खिलाफ भी अच्छा है, इस मैदान पे खेलने का एक्सपीरियंस भी इसको दोस्तों बहुत अच्छा है। तो ऋषभ पंत हर एंगल से फिट बैठता है हमारी टीम में। तो वैसे केवल हम एक विकेट कीपर के साथ जाएंगे और भाई वो होने वाला है ऋषभ पंत। हम दोस्तों यहां पे पुरैल साहब को भी ड्रॉप करेंगे, तो चलिए मैं फटाफट से ऋषभ पंत को हमारी टीम में पिक कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो हमारी टीम है, मैंने यहां पे विकेट कीपर में केवल एक खिलाड़ी को पिक किया, ऋषभ पंत को। अब दोस्तों बात करते हैं भाई बल्लेबाजी वाले सेक्शन की, क्या बल्लेबाजी में से आपको किस किस को लेना है, किसको ड्रॉप करना है। दोस्तों, बल्लेबाजी वाले सेक्शन में आपको यहां पे बहुत सारे खिलाड़ी नजर आएंगे, डेविड वार्नर, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शो, रिंकू सिंह, स्टब्स। यार ये कितने खिलाड़ी भाई, ये दोस्तों 6 खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों इन 6 में से आपको किस किस को लेना है, दोस्तों आप कोशिश करिए केवल आप यहां से 2 खिलाड़ी को पिक करो अपनी टीम में, मात्र 2 खिलाड़ी, सबको ड्रॉप कर दो आज। रैंक 1 लानी है तो भाई ये फैसले आपको लेने पड़ेंगे, वरना फिर रैंक 1 आप भूल जाओ। तो ऐस पहला खिलाड़ी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो भाई होने वाला है यहां पे श्रेयस अय्यर। दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में पक्का लेकर के आना, क्योंकि श्रेयस अय्यर का रिसेंट फॉर्म हालांकि ठीक ठाक इतना नहीं है, पर दोस्तों सामने वाली टीम के खिलाफ श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेलता है, और भाई इस वाले मैदान पे श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो आज हो सकता है श्रेयस अय्यर का आज का दिन हो, और श्रेयस अय्यर दोस्तों ऐसा खिलाड़ी है जो ज्यादा दिन तक शांत नहीं बैठता है, इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप श्रेयस अय्यर के साथ जरूर जाना बैटिंग वाले सेक्शन में। आपको यहां पे दोस्तों आज एक काम करना पड़ेगा भाई, सब लोग दोस्तों डेविड वार्नर को लेंगे, वेंकटेश अय्यर को लेंगे, मैं आपसे कहूंगा आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, दोनों को ड्रॉप कर दीजिए आज, अपनी जीएल की टीम में दोनों को ड्रॉप करके आना आज, क्योंकि सामने वाली टीम में गेंदबाज बहुत खतरनाक है भाई, और आज डेविड वार्नर को ये नहीं चलने देंगे कि क्या गेंदबाज
खासतौर पर हर्षित राणा स्टार्टिंग में डेविड वॉर्नर को लेके जा सकता है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूं आज आप डेविड वॉर्नर को ड्रॉप कर दो। वेंकटेश अय्यर का तो फॉर्म बहुत खराब है भाई, प्यार में दोनों को ड्रॉप करूंगा। अब दोस्तों यहां से हमें एक खिलाड़ी को और लेना है, और भाई वो हमारा खिलाड़ी होगा पृथ्वी शो। पृथ्वी शो का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, आपको पता है पृथ्वी शो इस वाले मैदान पे बहुत तगड़ा मारता है गेंदबाजों को, और भाई रिसेंट फॉर्म आपको पता है बहुत अच्छी है, सामने वाली टीम के खिलाफ भी इसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। तो यार केवल मैं दो खिलाड़ी को यहां पे लूंगा बल्लेबाजी वाले सेक्शन से, कौन भाई श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शो। ठीक है, अब दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। गला सूख गया भाई पानी के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, चलो पहले वीडियो आपके लिए शूट करता हूं। अब दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात करें तो आज आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जैसे कि आंध्र रसल, सुनील नारायण, मिच मार्श, अक्षर पटेल और रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय। दोस्तों इनमें से केवल आपको तीन खिलाड़ियों को पिक करना है, और भाई वो तीन खिलाड़ी कौन से होंगे आपको नहीं पता है ना, आप ये कहोगे ये तो सभी अच्छे ऑलराउंडर हैं, हम इनमें से तीन को कैसे सिलेक्ट करें, हम तो सभी को लेंगे, भर दोस्तों ऐसा नहीं है यार। देखो सबसे पहले तो अनुकूल रॉय और रमनदीप सिंह, आप इन दोनों को ड्रॉप कर दो अपनी टीम से, इनका फॉर्म बहुत बेकार चल रहा है रिसेंट फॉर्म, सामने वाली टीम के खिलाफ बहुत बकवास खेलते हैं, बहुत गंदा खेलते हैं, बाइयात खेलते हैं भाई। तो यार हमारी टीम में अब कितने प्लेयर बचे भाई, जो आपको टीम में लेने हैं वो चार बचे। अब दोस्तों इन चार में से भी आपको केवल तीन को लेना है, एक को ड्रॉप करना है, वो कैसे, जैसे कि आप छह टीम बना रहे हो, पहले आपको बताऊंगा दो फिक्स खिलाड़ी यहां से, दो फिक्स में से दोस्तों आंध्र रसल हमारा भाई फिक्स खिलाड़ी होगा आज, कि यार मैं आंध्र रसल को अपनी हर टीम में लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा, आंध्र रसल का रिसेंट फॉर्म आपको पता है, आपसे छुपा नहीं है किसी से यार, बहुत तगड़ा चल रहा है, बल्लेबाजी है बहुत तगड़ी बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है पूरे चार ओवर डाल रहा है। तो यार आपको क्या करना है, आंध्र रसल को अपनी हर टीम में लेकर के आना है, चाहे पहले केकर गेंदबाजी करे या फिर बल्लेबाजी करे, आंध्र रसल हर कंडीशन में आपकी टीम में होना चाहिए, चाहे आप 10 टीम बना रहे हो 20 टीम बना रहे हो, सभी टीमों में आंध्र रसल होना चाहिए। दूसरा खिलाड़ी मैं आपको कहूंगा आप लेके आओ भाई मिच मार्श को, जी हाँ आप दोस्तों मिच मार्श को आज लेके आओ, मिच मार्श आज दोस्तों पक्का पेलेगा भाई, मिच मार्श आज जाम बिखेर देगा आपको बता रहा हूं गेंदबाजों की, ध्यान रख लेना इस चीज का। और मिच मार्श सबसे बड़ा कैप्टनसी का बड़ा मटेरियल है आज इस मैच में, और मैं खुद मिच मार्श को अपना कैप्टन बना के आऊंगा मेगा ग्रैंडर की टीम में। ठीक है, तो यार मिच मार्श का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, इतना खास नहीं है, पर दोस्तों इस मैदान पे भी ठीक ठाक है, सामने वाली टीम के खिलाफ भाई बहुत तगड़ा खेलता है। तो यार मिच मार्श आंध्र रसल दो हमारे फिक्स खिलाड़ी हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप छह टीम बना रहे हो तो आप तीन टीम में आंध्र सुनील नारायण को ले लो, तीन टीम में अक्षर पटेल के साथ चले जाओ, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। तो आज फिलहाल के लिए मैं अक्षर पटेल के साथ जा रहा हूं, मैं गाइस आज यहां पे सुनील नारायण को ड्रॉप कर रहा हूं, अगर सुनील नारायण को मैं उसी कंडीशन में लूंगा, अगर ये ऊपर बल्लेबाजी करने आएगा तब, अगर ये डाउन आता बल्लेबाजी करने के लिए तो मैं इसको क्लियर ड्रॉप कर दूंगा अपनी टीम से। अब दोस्तों गेंदबाजी वाले सेक्शन की बात करते हैं, सॉरी हाँ अब दोस्तों गेंदबाजी वाले सेक्शन की बात करें तो गेंदबाजी में हमें यहां पे पांच गेंदबाजों के साथ जाना है, और वो पांच गेंदबाज कौन से हैं चलो आपको बताता हूं। दोस्तों पहला हमारा गेंदबाज है भाई हर्षित राणा, हर्षित राणा स्टार्टिंग में आएगा, डेविड वॉर्नर को शिकार करेगा, इस बात को ध्यान रख लो, बार बार आपको बता रहा हूं, डेविड वॉर्नर का विकेट कौन लेगा, हर्षित राणा लेगा। ठीक है, तो यार हर्षित राणा को लेना बहुत जरूरी है, रिसेंट फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही है भाई, तीन विकेट, चार विकेट, दो विकेट, इस तरीके से बंदा विकेट चटका रहा है, और सामने वाली टीम के खिलाफ इस मैदान पे भी बहुत तगड़ी गेंदबाजी कराता है। तो यार हर्षित राणा फिक्स हो गया। फिर दोस्तों मैं यहां पे लूंगा भाई मिचेल स्टार्क को केकेआर की ओर से, मिचेल स्टार्क का सिलेक्शन आप देख सकते हो कितना है, मात्र एक सेकंड रुको आप, मिचेल स्टार्क का दोस्तों यहां पे सिलेक्शन है मात्र 37%। तो यार मिचेल स्टार्क हमारा बड़ा ट्रंप खिलाड़ी साबित होगा आज इस मैच में, ध्यान रखना इस चीज का। केकेआर की टीम दोस्तों अगर पहले गेंदबाजी कराती है तो एक पक्का ले लेना, आंख बंद करके अपनी टीम में पिक करके चलना मिचेल स्टार्क को। और भाई दोस्तों अगले गेंदबाज की बात करें तो यार आप यहां पर लेना भाई किसको, वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती दोस्तों कमाल की गेंदबाजी कराता आपको पता है, और ये हमारा होगा दूसरा ट्रंप सिलेक्शन, देखो मात्र 9.5%। अगर ये चल गया तो भाई आपका कंपटीशन मात्र 10% लोगों से रहेगा, बस ओनली 10% लोगों से, 90% ऑटोमेटिकली हार जाएंगे आपसे। तो यार वरुण चक्रवर्ती को आप पक्का लेना।
और वहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई ईशांत शर्मा को भी कि आप ईशांत शर्मा को भी आज अपनी टीम में पक्का लेके आओ। तो आज हमने यहाँ पे चार गेंदबाजों को पिक कर लिया फिलहाल के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो किसको दिखाता हूं आपको, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक दिल्ली का गेंदबाज लूंगा और भाई वो भाई गेंदबाज कौन होगा, अब यहाँ पे दिल्ली के हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं, खलील अहमद है, आप दोबारा आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे खलील अहमद, मुकेश कुमार और नॉर्थ जे। तो आज मैं खलील अहमद, मुकेश कुमार को आज अपनी टीम से ड्रॉप करके आऊंगा, मैं यहाँ पे लूंगा भाई नॉर्थ जे को, ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रम्प खिलाड़ी साबित होगा। सिलेक्शन देखो मात्र 16% है भाई का, तो यार नॉर्थ जे को चलो पहले मैं टीम में पिक कर लेता हूं। ये दोस्तों हमारी टीम है मेगा गारंटी की। अब दोस्तों इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन कौन से हैं, चलो बता देते हैं। दोस्तों आज आपको कैप्टन करना है मेरे हिसाब से भाई मिच मार्श को, मिच मार्श से अच्छा ऑप्शन कैप्टनसी के लिए आज इस मैच में कोई हो ही नहीं सकता है भाई। तो भाई मिच मार्श मेरा कैप्टन है और भाई मेरा वाइस कैप्टन कौन है भाई, मेरा वाइस कैप्टन है आज, एक सेकेंड, मेरा वाइस कैप्टन है भाई आज आंद्र रसल। तो वाइस ये मेरी अभी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जल्दी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फाइनल टीम लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं टॉस के बाद टेलीग्राम पे सीधा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इस चैनल को यार, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्या देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, थैंक यू।